प्रार्थना भवन टीवी जो प्रभु यीशु का चैनल है, देखने वाले मेरे प्यारे दर्शकों, जय यीशु मसीह की। प्रार्थना भवन टीवी में प्रतिदिन संतों के बारे में सुनकर जानकारी प्राप्त करें। ईसाई धर्म में संत वही है जो प्रभु यीशु के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दे। कुछ संत तो प्रभु यीशु के नाम पर शहीद हो जाते हैं, पर वे सारे संत अपना पूरा जीवन दुख उठाते हैं और पूरी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि फादर जोसेफ जी, जिन्होंने स्वयं प्रभु यीशु से प्रेरणा ली है, वो आज आपको संतों के बारे में बताएंगे। और यदि आप संतों के बारे में अधिक जानकारी जानने के इच्छुक हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 8437108389 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है tagdijosh@gmail.com। फरवरी 4, संत जॉन डा ब्रिटो शागत। संत जॉन ब्रिटो दा जन्म एक कुलीन परिवार विच्चे विके पोर्चुगल विके होया सी। संत जॉन ब्रिटो दे मापियो संत फ्रांसिस सेवियर दा रिश्तेदार भी सी। जदों संत जॉन ब्रिटो एक छोटा बच्चा सी, वो बहुत बीमार हो गया। उदों उन्हां दे मां ने संत फ्रांसिस सेवियर दे अगे दुआ कीता, अते संत नूं एक चमत्कारी चंगाई मिल गया। उस समान तो संत जॉन ब्रिटो फैसला किया है कि वो भी एक मिशनरी बन के सुसमाचार दे प्रचार दे लई इंडिया वल जाना है। जदों संत जॉन ब्रिटो 15 साल का उम्र सी, वो सोसाइटी ऑफ जीसस जमात विच शामिल हो गया, अदे उत्ते एक पुरोहित बन गया। 1673 विके संत जॉन ब्रिटो समुद्री सफर करके उन्हां दे 16 साथियां दे नाल गोवा पहुँच गया। इत्थे भारत विके उन्हां ने कांसर के तमिलनाडु विके सुसमाचार दा प्रचार शुरू कीता। उन्हां नूं मदुरई मिशन दा सुपीरियर नियुक्त कीता गया सी। उन्हां ने तपस्या अदे हलीमी दी जिंदगी बिताया। उन्हां नूं अपने इस समां लगभग 17-18 साल सुसमाचार दा प्रचार करन विच बिताया। उन्हां नूं वक वक दुख तकलीफां नूं सामना करना पैंदा सी। उन्होंने अपना समां खुदा दे वचन नूं दा प्रचार लई लोगां नूं जिन्हां ने विश्वास कीता उन्होंने बापतिस्मा देण विच बिताया। एक शासक ने उन्हां नूं अपने देश निकाल दिता। इस करके 1683 विखे संत जॉन ब्रिटो पोर्चुगल वापस गया। 1691 विखे संत जॉन ब्रिटो वापस आ गया। अदे उन्होंने द्वारा अपना सुसमाचार प्रचार दा काम मदुरई मिशन विखे शुरू कीता। इतिहास सानू दसदा है कि उते उन्होंने एक राजा नू तलीम दिया ते उन्होंने बपतिस्मा दिया। अदे वो विश्वासी ईसाई बन दे बाद बादशाह अपने एक ही हरवाल रख के बाकी आनू उन्होंने वापस भेज दिता। उन्हां विचों एक औरत संत जॉन ब्रिटो दा दुश्मन बन गई। अदे उन्होंने आपने प्रा दूसरा देश शासक सी, उन्होंने संत जॉन ब्रिटो नू अरेस्ट किया गया सी। बहुत दिन उन्होंने कैद विच रखिया। इसके बाद आखिर विच उन्होंने दा सिर कट दिता गया सी। यह घटना 1693 विखे होया सी। इतिहास सानू दसदा है कि
ਸੰਤ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੀਯੂਸ ਬਾਰਵਾ ਨੇ 1947 ਵਿਖੇ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟੋ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਾਨ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੇ ਅੰਚੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 26:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਤੱਕ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਡਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਡਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਰਗ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸੰਤ ਜੌਨ ਡੀ ਬ੍ਰਿਟੋ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜੀਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਕ ਸਨੇਹ ਕੁਦਾ ਜੀਉਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਆ ਗਏ ਸਤਾ ਤੋਂ ਸਤਾਤੀ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਚੰਗੇ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਕੇ।